स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज की कहानी दो फेल्ड स्टेट्स के ब्रेकअप की है। ये दो फेल्ड स्टेट्स कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। दोस्तों मीडिया में जिस तरह आज चारों ओर इनके क्लैश की खबरें उबाल ले रही हैं और जिस तरह तालिबान पाकिस्तान को वार्निंग्स दे रहा है, उससे लगता है कि मानो किसी भी मूवमेंट इन दोनों के बीच एक फुल फ्लेज्ड वॉर का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान पर एक फुल फ्लेज्ड वॉर लॉन्च कर देगा, लेकिन आज के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उनको डिस्कस करने से पहले आइए आपको इस रीजन के एक और क्रूशियल एक्टर से मिलवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। जाहिर है कि यूएसए के बिना इन दोनों देशों की किसी भी क्राइसिस को पूरी तरह से समझना मुमकिन नहीं है। दोस्तों यूएसए पिछले कई दशकों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप शेयर करता है। यूएसए ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतिहास का एक लंबा समय एशिया के इन दो फ्रजाइल कंट्रीज में बिताया है। पहले अफगानिस्तान में रशिया से लड़ने के लिए और फिर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को कंटेन करने के लिए यूएसए ने अपने इन दोनों क्रूशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन दोनों कंट्रीज को भर भर के सपोर्ट किया है। लेकिन आज जब उसकी प्रायोरिटीज और कंसर्न्स इन दोनों से आगे बढ़ चुके हैं, तो उसको ना ही इन देशों से मतलब है और ना ही इनके सिक्योरिटी से। उदाहरण के लिए जब यूएसए ने अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों सौंपा, उस समय उसने ये सोचा भी नहीं था कि तालिबान जैसा टेरर ग्रुप अफगानिस्तान के साथ साथ इस रीजन के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। खैर यूएसए के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास के पन्नों में आपको ऐसे बहुत से किस्से मिलेंगे जहां यूएसए ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके कंट्रीज को अबेंडन कर दिया है। इनमें से कई तो इसका परिणाम आज तक भुगत रही है। खैर यूएसए तो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान से काफी हद तक किनारा कर चुका है, किंतु उस रीजन में बढ़ रही लेटेस्ट क्राइसिस कहीं ना कहीं यूएसए की ही लेगेसी को रिफ्लेक्ट करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लंबे समय से जो आर्टिफिशियल पीस बनी हुई थी, उसका बांध आज टूटता नजर आ रहा है। इस सब की शुरुआत असल में 13 नवंबर को हुई, जब तालिबान और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच बॉर्डर रीजन पर एक वायलेंट क्लैश हुआ। इसमें पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी गार्ड की डेथ हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक अनआइडेंटिफाइड अफगान नेशनल को गन फायर करते हुए देखा गया। उनका कहना था कि यह क्लैश एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिनर रबानी की डेलीगेशन काबुल भी गई। इस पर उन्होंने तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब से एक मीटिंग की रिक्वेस्ट की, किंतु अफगान मीडिया के मुताबिक मुल्ला याकूब ने हिनर रबानी को मिलने से मना कर दिया। आपको बता दें कि मुल्ला याकूब तालिबान के को फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे हैं और तालिबान के फाइटर्स को लीड करते हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेज बॉर्डर के पार जाने वाले अफगान नेशनल्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। और तो और पाकिस्तान की ओर से अमेरिकन ड्रोन्स अफगानिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि यदि ये ड्रोन साइट्स यूं ही आगे भी नोटिस की गई तो पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। मीडिया में इसको पाकिस्तान के लिए एक शेम का मुद्दा बताया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी फोर्सेज का कहना है कि तालिबान अफगान सॉइल में उनके अगेंस्ट कई टेरर अटैक्स प्लान कर रहा है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो आज पाकिस्तान और अमेरिका की क्लोज इंटरेक्शन भी तालिबान को परेशान कर रही हैं। खैर ये तो बात हुई अफगान तालिबान की, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए केवल अफगान तालिबान ही चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान के सर पर आज एक बार फिर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का वोल्केनो बर्स्ट हो रहा है। दोस्तों काफी लंबे समय से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि TTP एक ज्वालामुखी है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है, और जिस दिन ये फट गया तो ये पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लेगा। और आज ये चेतावनी सच होती नजर आ रही है। असल में 28 नवंबर को TTP के कुछ मिलिशियाज अफगानिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उनका पाकिस्तान आर्मी के साथ एक क्लैश हो गया। इस क्लैश में TTP के लगभग 11 पर्सनल मारे गए। TTP का कहना है कि सीजफायर एग्रीमेंट होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी और ISI उनके फोर्सेस पर अटैक कर रही हैं। तो सब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि अफगान तालिबान बहुत सालों से TTP को सपोर्ट करता आ रहा है। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान में TTP के बेसिस पर अटैक भी किया है। इसी वजह से TTP ने अगले ही दिन अपना सीजफायर एग्रीमेंट भी ब्रेक कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने फोर्सेस को पाकिस्तान में कभी भी और कहीं भी अटैक करने की इजाजत दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्तून पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। देश की लार्जेस्ट सिटी और इकोनॉमिक सेंटर कराची, जहां काबुल से ज्यादा अफगान्स रहते हैं, यहां से लेकर पाकिस्तान के हर्टलैंड पंजाब तक पश्तून्स हर जगह फैले हुए हैं। यही कारण है कि आज TTP पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अटैक लॉन्च कर सकती है, और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्वेटा में देख ही सकते हैं। 30 नवंबर को क्वेटा में TTP ने पाकिस्तानी पुलिस के एक ट्रक पर डेडली सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम दिया।
पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। टीटीपी के साथ साथ अफगान तालिबान पाकिस्तान की ओर आज एक डुअल चैलेंज थ्रो कर रहे हैं। दोस्तों, सभी डेवलपमेंट्स को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या टीटीपी और तालिबान के अटैक्स पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्या पाकिस्तान पहले की ही तरह टीटीपी के एक वायलेंट फेस का शिकार होने जा रहा है। आज की वीडियो में हम इन सभी डेवलपमेंट्स के लिंकेजेस जोड़ते हुए इसका एनालिसिस आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी यूपीएससी के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं तो आप इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे, सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं, पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी IQ ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन UPSC फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th December है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने यूपीएससी का सपना देखा है तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों की राइवलरी के रूट्स उस समय से ट्रेस किए जा सकते हैं जब पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर की। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो ब्रिटिशर्स ने बहुत जल्द उनके सिख एम्पायर को ओवरटेक कर लिया और तभी से सिख एम्पायर का बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया। 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट किया गया। इसको ब्रिटिश ऑफिसर मॉर्टाइमर ड्यूरेंट के नाम पर ड्यूरेंट लाइन कहा जाने लगा। इंडिया के पार्टीशन के बाद ये बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में तब्दील हो गया। ड्यूरेंट लाइन ने इस रीजन की डोमिनेंट पश्तून कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। असल में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और नदन बलूचिस्तान में पश्तून मेजोरिटी में कंसंट्रेटेड हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पश्तून कुल 18% है, जबकि अफगानिस्तान में ये उनकी पॉपुलेशन का 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद पश्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के साथ यूनाइट होने की मांग रखती है। वहीं दूसरी ओर आज तालिबान का सिक्का भी पश्तून नेशनलिज्म के बेसिस पर चलता है। तालिबान का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी के एंग्लो अफगान वॉर में ग्रेटर अफगानिस्तान से उसका एक मेजर हिस्सा छीन लिया। यही कारण है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में रह रहे पश्तून्स ड्यूरेंट लाइन को अपना लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानते हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी इन दोनों देशों के रिलेशंस का सबसे बड़ा थॉर्न है। इसको पिछले 130 सालों से सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। फास्ट फॉरवर्ड करके यदि हम 2021 की बात करें तो जब अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर किया था, उस समय उसमें पाकिस्तान का रोल बताया जा रहा था। तालिबान के टेकओवर के बाद कुछ समय चीजें शांत रहीं। पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के साथ उनके बरसों पुराने डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, किंतु जब पाकिस्तान ने तालिबान के इंटरनल गवर्नेंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो तालिबान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट ईयर दिसंबर में भी ड्यूरेंट लाइन पर दोनों की सिक्योरिटी के बीच एक बड़ा क्लैश हुआ। तभी से इन दोनों की इक्वेशंस फिर से बिगड़नी शुरू हो गई। लास्ट ईयर 21st December को पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पर अपनी फेंसिंग मजबूत करने की कोशिश की तो दोनों के बीच फिर से अटैक शुरू हो गए। इन अटैक्स में दोनों के बीच बहुत हीटेड स्टेटमेंट्स की एक्सचेंज भी की गई। तालिबान ने पाकिस्तान के ड्यूरेंट लाइन पर फेंसिंग के एफर्ट्स को बार बार अटैक किया। 13 November को हुए अटैक्स के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्पिन बोल्डक चमन पोर्ट, जो इन दोनों देशों के बीच एक बहुत सिग्निफिकेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसको ट्रेड और ट्रांजिट के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, हर दिन ना जाने कितने अफगान्स अपनी दिनचर्या कमाने के लिए इस क्रॉसिंग से गुजरते हैं।
इससे दोनों देशों के बीच मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के गुड्स एक्सचेंज होते हैं। इस क्रॉसिंग के बंद हो जाने के कारण आसपास के रीजन में शॉर्टेजेस बढ़ रही हैं और जाहिर है कि इस वजह से कॉमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी लोगों की मुश्किलें किसी भी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, यहां आयरनी की बात यह है कि तालिबान ने लास्ट ईयर अफगानिस्तान का टेक ओवर किया था, तब सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया था। पाकिस्तान इस टेक ओवर को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जीत बता रहा था। पाकिस्तान ने तालिबान की रेजीम को सपोर्ट कर उनके साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, किंतु तालिबान के टर्म्स एंड कंडीशंस अपने फेवर में नहीं कर पाया। डिस्प्यूट लार्जली तब भी वही था और आज भी वही है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ड्यूरन लाइन पर कब्जा करना चाहता है, जो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान कुछ समय पहले तक सपोर्ट कर रहा था, वही तालिबान अब उसको आंखें दिखाने लगा है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जो जैसा बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। तालिबान को सपोर्ट कर अमेरिका जैसी सुपर पावर तक सेफ नहीं रह पाई, तो पाकिस्तान की तो बात बहुत दूर की है। और आज सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को अफगान तालिबान से नहीं बल्कि पाकिस्तानी तालिबान से है। उस पर आने से पहले आपको बता दें कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान भी कहीं ना कहीं इसी बॉर्डर डिस्प्यूट से जन्मी है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको इतिहास के उन जाने माने पन्नों से वापस रूबरू कराएंगे जो इस क्राइसिस को समझने के लिए बेहद क्रूशियल कड़ी है। आपको याद दिला दें कि तालिबान को भी पाकिस्तानी आर्मी ने ही ट्रेन किया है। जैसे कि हम जानते हैं, कोल्ड वॉर के दौरान 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। इस क्राइसिस में पाकिस्तान को अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अफगान टेरिटरी को अपने स्ट्रेटजिक डेप्थ में तब्दील करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इसीलिए जब 1989 में सोवियत यूनियन यहां से चला गया, तो पाकिस्तानी आर्मी ने यूएसए के साथ मिलकर सदर अफगानिस्तान और नदन पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको एक ह्यूज फाइटिंग फोर्स में तब्दील किया। मुजाहिदीन की इस आर्मी को तालिबान कहा जाने लगा। पाश्तो में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। मिड 1990s में तालिबान ने नदन अफगानिस्तान की ट्राइब्स को सप्रेस किया और 1996 तक काबुल को कैप्चर कर लिया। इसी के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सेफ हेवन बन गया। इसी के जरिए पाकिस्तान ने कश्मीर में इंडिया के अगेंस्ट अपना प्रॉक्सी वॉर भी अनलीश किया, किंतु 9/11 ने इस पूरे रीजन की काया पलट कर दी। 9/11 के रिस्पांस में शुरू हुए वॉर ऑन टेरर के तहत यूएसए ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान, जिसने यूएसए की मदद से अफगानिस्तान और अपनी खुद की टेरिटरी में टेररिस्ट ग्रुप्स तैयार किए थे, वो अब यूएसए के वॉर ऑन टेरर में वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्रंटलाइन एलाई बन गया। पाकिस्तानी आर्मी की रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ वाउंड्स की पॉलिसी ने पाकिस्तान को कड़ा नुकसान पहुंचाया, यानी कि एक ही समय पर दो अपोजिट साइड को फेवर करने की पॉलिसी। यूएसए के साथ देने की वजह से नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब्स पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ी हो गईं। उन्होंने अफगान तालिबान से टूटकर खुद को तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान तालिबान के रूप में एस्टैब्लिश किया और इसने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास एक लार्ज टेरिटरी को कैप्चर किया। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान को TTP के अटैक्स ने बुरी तरह छलनी किया। देश के रिसोर्सेज, उसकी इकोनॉमी और मैन पावर को एक बड़ा झटका लगा। ये शॉक 1971 में हुए इंडो पाक वॉर में मिली हार के शॉक से भी ज्यादा इंटेंस था। 2006 से 2015 तक TTP पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक भयानक गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ती रही। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और ISI के ऊपर एक के बाद एक वायलेंट अटैक्स करने शुरू किए। दिसंबर 2007 में हुए बेनजीर भुट्टो के असैसिनेशन में भी TTP का ही हाथ बताया जाता है। इसके बाद 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में TTP का अब तक का सबसे क्रूअल अटैक देखने को मिला। इस अटैक में दिन दहाड़े पाकिस्तानी आर्मी के 132 बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। इस अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने TTP के अगेंस्ट एक मैसिव रिटेलिएशन लॉन्च किया। इससे TTP को बहुत चोट पहुंची, वो टूट कर बिखर गया। TTP की लीडरशिप ने अफगानिस्तान में जाकर शरण ली और इस पॉइंट पर उनको सस्टेन करने में अफगान तालिबान ने उनकी बहुत मदद की। खैर, जब 2021 में यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला किया और अफगान तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया, तब तालिबान की मदद से TTP को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। और यदि आप गौर करें तो जब से अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में गया है, तभी से पाकिस्तान में TTP के अटैक्स की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन वेपन्स को अमेरिका की रिट्रीटिंग फोर्स यहां पर छोड़कर गई थी, उनकी मदद से TTP पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस साल 250 से ज्यादा अटैक्स कर चुका है। इसमें लगभग 433 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नवंबर 23 को एक मीडिया पब्लिकेशन में ये सामने आया कि एक दशक के बाद TTP ने स्वात वैली में
अपने एक्सटॉर्शन रैकेट की भी वापसी की है। स्वात वैली खैबर पख्तूनख्वा में बेहद स्ट्रेटजिक लोकेशन है। सोर्सेस की माने तो यहाँ पर रहने वाले कई रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को अननोन नंबर से ह्यूज रैंसम्स की डिमांड की जा रही है, और यदि वो नहीं देते हैं तो उनको डेथ की वार्निंग भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, टीटीपी ने हाल ही में गिलगित बाल्टिस्तान में अपने नए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोकल्स और बिजनेसेस पर भी अटैक्स की खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ महीनों पहले अफगान तालिबान ने टीटीपी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच एक सीज फायर मीडिएट किया था। इसके तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी की बहुत सी मांगों को भी पूरा किया था, किंतु यह ज्यादा समय तक चला नहीं। टीटीपी का कहना है उन्होंने अपनी तरफ से पूरी पेशेंस मेंटेन की है, किंतु पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अटैक्स जारी रखे हैं। और जब टीटीपी ने इस सीज फायर एग्रीमेंट को यूनिलैटरली तोड़ दिया है, तो ऐसे में पूरे पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स का थ्रेट एक बार फिर बेहद सीरियस होता जा रहा है। यहाँ एक बात और भी साफ है कि जिस तरह इस सीज फायर को अफगान तालिबान के द्वारा तोड़ा गया है, उसी तरह इसको खत्म करने में भी उसने अहम भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि अफगान तालिबान और टीटीपी भले ही अलग अलग हों, किंतु ये दोनों एक दूसरे को लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों आज एक दूसरे के एम्बिशंस को फ्यूल कर रहे हैं, और उनके इस एम्बिशंस के तले पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज किस तरह पाकिस्तान अपने खुद के बनाए गड्ढे में धंसता जा रहा है। पाकिस्तान आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यदि इन ट्राइबल रीजन्स में ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो बात पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पर आ सकती है। और उसकी हालत को देखते हुए ये साफ है कि वो आज खैबर पख्तूनख्वा और फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज की टफ माउंटेन में इन गुरिल्ला ग्रुप से एक और बैटल लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी और उनके अफगान काउंटर पार्ट काबुल में टीटीपी के रिसर्जेंस को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ सब्सटेंशियल आउटकम्स निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा पुअर हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमने ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान की इंटरनल टर्मोइल और टीटीपी के इस रिसर्जेंस में कोई लिंक है। यदि एक्सपर्ट्स की माने तो ये सभी टेरर अटैक्स पाकिस्तान की इसी टर्मोइल को ध्यान में रखते हुए अपनी शेप ले रहे हैं। पाकिस्तान में इस बीच बहुत से ऐसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनको इस क्राइसिस से आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए 29 नवंबर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह का अपॉइंटमेंट हुआ। जाहिर है कि उनको आर्मी की कमान संभालने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, और टीटीपी इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है। इसी के साथ साथ आईएसआई के फॉर्मर चीफ फैज अहमद ने अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान का नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने की रेस में ये भी शामिल थे। अब कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये अब पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की हालत भी दूर दूर तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रोविंस की राज्यसभा को डिसॉल्व करने की वार्निंग दी है। वो किसी भी तरह देश में जल्द से जल्द इलेक्शंस कराना चाहते हैं। और तो और, आपको बता दें कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरे 17 सालों के बाद पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस के लिए आ चुकी है। जाहिर है कि इस दौरान इंटरनेशनल मीडिया की नजरें भी इसी मैच पर टिकी होंगी। ऐसे में अपनी डिमांड्स को दुनिया के सामने हाईलाइट करवाने के लिए उनको एक और अच्छा चांस मिल जाता है। यानी टीटीपी ने एक टाइमली मूव लिया है। ऐसा लगता है कि मानो टीटीपी ऐसे ही किसी मौके की तलाश कर रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ाकर अपनी सभी डिमांड्स पर एग्री करवाने का इससे अच्छा मौका टीटीपी को कभी नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की हालत पहले से ही बेहद नाजुक है, और ऐसे में अब उसकी सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया गया है। अब अगर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ टीटीपी के रिसर्जेंस को कंट्रोल में ले आते हैं, या फिर टीटीपी पाकिस्तान के इतिहास को अपनी मर्जी से लिखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी हो, इसका हर छोटा बड़ा डेवलपमेंट इंडिया और इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, ड्यूरेंट लाइन इज येट अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ कैओटिक डिस्प्यूट हुज सीड्स वर सोन लॉन्ग बैक बाय द कॉलोनाइजर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्रिटिकली एनालाइज। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।